सब्सक्राइब कीजिए डीडीएन न्यूज चैनल को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारत समुद्र में चीन और पाकिस्तान को बेलगाम करने के लिए अमेरिका के साथ बड़ा रक्षा सौदा करने जा रहा है, जिससे अब समुद्र में चीन और पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखी जा सकेगी। दोस्तों जानेंगे पूरी खबर, उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में जय हिंद ना लिखना भूलें। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए भारत अमेरिका के साथ P-8 समुद्री सर्वेक्षण विमान को खरीदने की योजना पर काम कर रहा है। इससे भारतीय नौसेना की समुद्री क्षेत्र में निगरानी क्षमता में वृद्धि होगी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार अगले सप्ताह होने वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा सकती है। इस सौदे की कीमत $3.1 मिलियन है। इस खरीद को विदेशी सैन्य बिक्री के तहत खरीदा जाएगा। बता दें कि भारतीय नौसेना पहले से ही 12 बोइंग P-8 समुद्री गश्ती विमान को ऑपरेट कर रही है, लेकिन बढ़ते समुद्री खतरों से निपटने के लिए नौसेना को और विमानों की आवश्यकता है। डील का 30% हिस्सा मेक इन इंडिया होगा। इस सौदे में घरेलू कंपनियों के लिए 30% ऑफसेट क्लॉज अनिवार्य होगा, मतलब इस सौदे में कुल कीमत का 30% निर्माण भारत की कंपनियां करेगी। इन 10 विमानों के नौसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद भारत के पास कुल 22 P-8I विमान हो जाएंगे। ये विमान समुद्री गश्ती के साथ ही हल्के टॉरपीडो को दागने और समुद्र में छिपे दुश्मन के पनडुब्बी को ट्रैक करने में माहिर है। इसे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना पहले से ही ऑपरेट कर रही है।